सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आज हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले थोड़ी सी अपडेट्स आपको दे देते हैं बच्चों, जो भी अनअकैडमी में इस समय हो रहा है। तो कुछ बैचेस बच्चों स्टार्ट हो रहे हैं 16 फरवरी से। ठीक है, तो यानी कि क्लास 12th का एक बैच, अगर आप क्लास 11th में हो, क्लास 12th में जाने वाले हो, तो ये एक आपका अर्ली इवॉल्व बैच बच्चों जो है स्टार्ट हो रहा है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप एजुकेटर्स देख सकते हैं यहाँ पर। और एक अर्ली इमर्ज बैच है, मतलब जो बच्चे इस समय क्लास 10th में हैं वो 11th में जाने वाले बच्चों एग्जामिनेशन के बाद, तो उनके लिए अनअकैडमी 16 फरवरी से बच्चों एक बैच लेकर आ रहा है। हालांकि आपके बोर्ड वगैरह नहीं हुए हैं, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो अर्ली एडवांटेज लेना चाहते हैं प्रिपरेशन में, तो उनके लिए बच्चों ये एक क्लास 11th का बैच स्टार्ट हो रहा है। और कई सारे बच्चों प्रैक्टिस सीरीज़ वाले, क्योंकि जेई मेन्स आने वाला है बच्चों 2022, तो उसके लिए क्रैश कोर्स वगैरह भी अनअकैडमी में स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आप बच्चों अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो Aashish123 कोड आप अप्लाई करिएगा बच्चों। ठीक है, अनअकैडमी प्रोडजी के एग्जामिनेशन का लास्ट लेग बच्चों 20 फरवरी 10 AM ऑनवर्ड्स है। फॉर क्लासेस 7th, 8th, 9th, 10th इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एस्पिरेंट्स फ्रॉम क्लास 11th and 12th एक्साइटिंग स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड्स है बच्चों। यू कैन कम्पीट एट एन ऑल इंडिया लेवल। यूज़ करिए कोड आप Aashish123 टू इनरोल फॉर फ्री। ठीक है, बिल्कुल मिस मत करिएगा इसको। एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स आपको हर टेस्ट में बच्चों मिलते हैं। टेस्ट आप 20 फरवरी को बच्चों दे सकते हैं। यू कैन विन ऑल दीज अमेजिंग प्राइजेज और बेस्ड ऑन द रैंक यू अचीव यू गेट द स्कॉलरशिप। तो ये देख लीजिए आप, अलग अलग रैंक्स पे बच्चों आपको ये स्कॉलरशिप स्लैब्स मिलते हैं। तो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज भी बच्चों अनअकैडमी पे चलती है। तो एक फ्री टेस्ट सीरीज बच्चों चल रही है, जिसमें हर संडे 2 से 5 PM आप पेपर दे सकते बच्चों। एंड यू कैन गेट, अगर टॉप 200 लर्नर्स को आप देखेंगे तो ULIT स्कॉलरशिप भी आप बच्चों जीत सकते हैं। ठीक है, Aashish123 ये कोड यूज़ करिए, इट्स एब्सोल्युटली फ्री बच्चों। ठीक है, और बच्चों इसी ये जो ULIT के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि एग्ज़ाम रेडी होना चाहते हैं आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं और हर क्वेश्चन का आपके पास सोल्यूशन रहेगा, इन डेप्थ एनालिसिस रहेगी, तो ये सब आप जो है प्रैक्टिस सेक्शन आप अनअकैडमी का देखना चाहते हैं तो ये आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो अभी Feb 23 तक 30% ऑफ है इसमें। तो चलिए अब हम लोग बच्चों क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, और इस समय हम लोग जो है सुपर पोजिशन के कॉन्सेप्ट वाले बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, एंड देन फिर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी वाले क्वेश्चंस बच्चों स्टार्ट करने वाले। तो ये 5 क्वेश्चन इसी चीज़ पे बेस्ड होने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। 2 waves ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन थ्रू द सेम रीजन हैव इक्वल फ्रीक्वेंसीज वेव लेंथ एंड एम्पलीट्यूड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, वेव लेंथ भी सेम है और एम्पलीट्यूड भी सेम है। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच वेव इज 4 mm, तो दोनों का ही जो है एम्पलीट्यूड 4 mm है। ठीक है, A1 A2 दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड 4 mm है। फेज डिफरेंस दिया गया बच्चों 90 degree का। वॉट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो देखिए वेक्टर के तरीके से एम्पलीट्यूड्स को बच्चों यहाँ पर देखा जाता है। तो जैसे कि एक वेक्टर आप 4 mm का बना लीजिए, एक वेक्टर आप 4 mm का बना लीजिए और इनके बीच में 90 degree है। ठीक है, इनके बीच में कितना है एंगल 90 degree। तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि जो रिजल्टेंट होगा वो 4√2 mm होगा। सो ये बिल्कुल पैरेललोग्राम लॉ की तरह होता है, मैं आपको दिखा दूं। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग, A1² + A2² + 2 times A1 A2 cos delta phi। ठीक है, तो जो भी जिन भी वेव्स के बीच में सुपरपोजिशन हो रहा होता है वो उनके एम्पलीट्यूड होते हैं और डेल्टा फाई उनके बीच का फेज डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर यही है। अब कॉस 90 जब आप रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो आप देखो तो बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम बन गया आपका, ये नेट स्क्वायर इज इक्वल टू A1² + A2² वही। तो बेसिकली इट्स अ वेक्टर एडिशन है ना, तो वो आपने देख ही रखा है वेक्टर्स के अंदर। उसी तरीके से आपको एम्पलीट्यूड में लगा के आंसर निकालना है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर फिगर में आपको दिया गया है,
shows two wave pulse at t is equal to zero. T बराबर जीरो पे एक वेव पल्स यहाँ पर देखिए 2 से लेकर 6 तक और एक वेव पल्स 10 से लेकर 14 तक है. ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, देख ही सकते हो ये इधर को जा रही है, पॉजिटिव है, वाई में पॉजिटिव में, ये इधर जा रही है निगेटिव एक्स डायरेक्शन में और वाई इसका निगेटिव है. कितना देखिए इनका एम्पलीट्यूड है, दो एम्पलीट्यूड है इनका. स्पीड देख लीजिए बच्चों इनकी 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, दोनों की 50 पर सेकेंड है. तो अब चलिए एक चीज़ देखते हैं हम लोग बच्चों कि इनका डिस्टेंस कितना ये कवर करेंगे. तो x इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है. तो जैसे कि 4 मिली सेकेंड, 6, तो दो दो का अंतर है तो हम लोग 2 मिली सेकेंड में देखते कि ये कितना टाइम कवर करते हैं. तो वेलोसिटी जो दी गई है दैट इज 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, टाइम हम लोग 2 मिली सेकेंड बच्चों ले ले रहे हैं. 2 मिली सेकेंड मतलब ऐसे है ना, क्लियर है, 2 मिली सेकेंड कर लेते हैं, ठीक है, बढ़िया. तो ये सेंटीमीटर था तो मीटर पर सेकेंड. तो अगर अब ये 1000 गायब कर दे तो ये कितना होगा, एक सेकेंड प्रॉपरली करते हैं हम लोग इसको. क्या था 50 सेंटीमीटर, तो मिलीमीटर में हम लिखे क्योंकि ये मिलीमीटर में ही है दिया गया, तो ये 50 सेंटीमीटर विल बिकम 0.500 मिलीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा ना, एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा हमें 500, ठीक है. और ये कितना वेलोसिटी हो गई है और टाइम जो दिया है वो 4 मिली सेकेंड और 2 मिली सेकेंड यहाँ पर टाइम दिया गया है, ठीक है. कितना टाइम दिया गया है, 2 मिली सेकेंड. तो दिस इज व्हाट, दिस इज मिलीमीटर, मिलीमीटर पर सेकेंड. इसको आप 1000 कर देंगे तो ये सेकेंड हो जाएगा, 2 मिली सेकेंड लिया था ना हम, तो ये तो x जो है वो 1 मिलीमीटर आया, ठीक है. तो यानी कि हर दो मिली सेकेंड्स में ये वेव जो है वो 1 मिलीमीटर आगे बढ़ती है, ठीक है. अब ये बात समझ में आई कि नहीं, x इज इक्वल टू वी इंटू टी किया, ठीक है, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, सेकेंड सेकेंड जैसे कैंसिल हो जाए और फिर आपने देखा 1 मिलीमीटर आ गया, ठीक, क्योंकि मिलीमीटर में x में दिया था. अब आपको 4 मिली सेकेंड में शेप बनाना है. तो देखिए 2 मिली सेकेंड में 1 मिलीमीटर बढ़ता है तो 4 मिली सेकेंड में ये दोनों वेव्स कितनी कितनी बढ़ जाएंगी, 2 मिलीमीटर बढ़ जाएगी. तो अब मैं इसको बना लेता हूँ यहाँ पर, बहुत अच्छा तो नहीं बनाऊँगा, ये पहले 2 था तो 2 वाला पोर्शन आपका 4 पे पहुँच जाएगा और 6 वाला पोर्शन आपका 8 पे पहुँच जाएगा और ये वेव कुछ 4 से 8 के बीच में ऐसे रहेगी, रहेगी कि नहीं बोलो. ये वाली ये 10 में थी तो ये 2 आगे कम होके 8 में आ जाएगी. इसको हम दूसरे कलर से कर देते, ध्यान से देखते रहना कलर किधर गया, ग्रीन कलर से कर दे बच्चों. तो ये आपकी देखिए, क्योंकि 4 से 8 आई है ना ये, तो ये भी 10 से 8 आ गई और ये भी 2 कम कर लो इसको तो ये 12 पे आ गई, क्योंकि 4 का है तो ये 8 ये 12. अब ये दोनों का सुपर पोजीशन होगा, तो सुपर पोजीशन क्या होता है कि इनके जो डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो एडअप हो जाते हैं बच्चों. तो अगर हम लोग देखें, एक दूसरा कलर भी ले लेते हैं, कहाँ गया मेरा कलर, कौन सा कलर ले लो भैया, अब ब्लू कलर से ले. जो नेट रिजल्टेंट शेप बनेगा वो कुछ ऐसे होने वो, जो ये टी बराबर 4 मिली सेकेंड्स में हम बना रहे हैं इसको, तो ये देखिए यहाँ पे रेड रेड ही रहेगा, यही रहेगा क्योंकि कोई और है ही नहीं जिसको ऐड किया जाए, 0 ऐड हो रहा है यहाँ, यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ऐड करना था हमें लेकिन यहाँ पर. तो ये शेप बनेगा बच्चों t बराबर 4 मिली सेकेंड में, ये पहला पार्ट था. अब t बराबर 6 मिली सेकेंड में आप शेप बनाएंगे, तो 6 सेकेंड बाद
मतलब 2 मिलीसेकंड बाद, अब 2 मिलीसेकंड बाद 1 मिलीमीटर ये आगे बढ़ेगा, ये 4 से 5 और वो 8 से 9। अब ध्यान से बनाएंगे हम लोग, रेड कलर से बनाते हैं फिर से, हाँ बना रहे हैं, यहाँ पे बना लें। तो देखिए 4 पे था तो 2 मिली सेकेंड बढ़े तो 1 मिलीमीटर बढ़ा लिए, तो पहले 4 पे था, अब ये 5 पे पहुँच गया, तो ये 5 से लेकर कहाँ तक होगा, 9 तक होगा, रेड वाला 5 से लेकर 9 तक होगा, ये 8 वाला 7 पे आ जाएगा, 9 8, ये 7 पे आ जाएगा, 5 और 7 यहाँ कहीं होगा, तो ये जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला वो 7 से लेकर, अरे वो 7 से लेकर बच्चों वो 11 तक हो जाएगा, 11 तक ये है। अब देखिए आप जब रेड का है ये पोर्शन और ये ग्रीन का है, जब कंबाइन होंगे तो 0 हो जाएंगे, क्योंकि जितना पॉजिटिव होता ही नेगेटिव है, तो ये ऐड होते हैं, तो ये 2 है तो -2, तो ये 0। तो अब मैं शेप बनाता हूँ ब्लू से, जो ओरिजिनल स्लेव शेप होगा इनका वो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो यहाँ पर तो यही शेप रहने वाला है, यहाँ तक मतलब यही शेप रहेगा, लेकिन इसके बाद ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसके बाद फिर ये शेप रहेगा, ठीक है। तो इरेजर से हम बाकी का रब कर देते बच्चों, ये ऐसा शेप जो है आपकी स्ट्रिंग का बन जाएगा, ठीक है, ब्लू कलर से। अब पूरा तो यहाँ पर भी देखिए आपकी स्ट्रिंग कुछ ऐसे दिखेगी, ब्लू फिर यू दिखे, फिर यू दिखे, फिर यू दिखेगी, ये पूरा ये ओरिजिनल शेप है आपका स्ट्रिंग का, ठीक है। यहाँ पे कैसी दिखेगी, यू यहाँ तक तो कोई है ही नहीं वेव, फिर ये ऊपर ऐसे उठेगी, फिर ये थोड़ा सा खाली रहेगी, फिर ये और फिर ये, तो ये टी बराबर 6 मिलीसेकंड की आपकी शेप है बच्चों। अब ये 5 पे था ना, तो अगला टी बराबर 8 मिलीसेकंड, यही रहता तो और मजा आ जाती है सामने सामने ना। अब ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर टी बराबर 8 मिलीसेकंड्स पर देखेंगे, टी बराबर 8 मिली, यानी दो और बढ़ा दो, तो 4 से 5 जो आया था वो 6 पे पहुँच जाएगा, 6 पे, यानी 6 से 10 तक। तो यहाँ पर 6 से 10 के बीच में ये वाली वेव है इस समय, रेड वाली है ना, 6 से 10 के बीच में रेड को पहुंचा दी। ये कहाँ थे भाई साहब, ये थे 8 पे है ना, 8 से फिर ये 7 पहुंच चुके थे, 7, ये कितना था 7 पे, तो ये भी यहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है, ये भी यहीं पे पहुंच जाएंगे एग्जैक्टली उसी के पीछे। ये 4 नहीं, ये 5 से 2 बढ़ गए ना, 5 से 2 मिलीसेकंड में 1 मिलीमीटर, 5 से 6 सही तो है, 4 से 5, अब 5 से 6, तो ये भी 7 से 6 पहुंच जाएगा, तो ये ग्रीन वाला भी 1 मिलीमीटर आगे बढ़ जाएगा, तो ये इसी के नीचे जस्ट आ जाएगा। अब देखो ये जितना प्लस उतना ही माइनस, तो पूरा ख़त्म बच्चों। तो बेसिकली अब ब्लू कलर से आपकी पहले भी स्ट्रिंग यहाँ कुछ नहीं थी, अब कहीं कुछ नहीं है, आपकी स्ट्रिंग एकदम सीधी सीधी, क्योंकि जितना डिस्प्लेसमेंट ऊपर था उतना ही डिस्प्लेसमेंट जो नीचे था सुपर पोजिशन में, दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड्स आपने जो है जोड़ दिए हैं, उसका उतना ही पॉजिटिव था, उसका उतना ही नेगेटिव। अब इरेजर से मैं बाकी चीज़ों को रब कर दूंगा, शेप जो होगी वो कुछ ऐसे दिख रही होगी पूरी स्ट्रिंग की, 6 से लेकर 10 के बीच में वेव्स तो हैं पर नज़र नहीं आएंगे बच्चों, दोनों वेव्स यूँ जाएंगे एक दूसरे के ऊपर से, और फिर जब बाहर निकलेंगे तो फिर वो जो है आपकी क्लीन होकर निकल के आएंगी,
ठीक है। चलिए अब हम लोग चौथा, टी बराबर 12 मिली सेकेंड्स में, तो याद है आपको हम लोग कहाँ पर हमारी वेव शुरू हुई थी, 6 पे थी ना, 6 से शुरू हुई थी 10 तक। अब 4 मिली सेकेंड बढ़ गए, तो 2 मिली सेकेंड में 1 मिलीमीटर बढ़ते हैं, तो 4 मिली सेकेंड्स में 2 मिलीमीटर बढ़ जाएंगे, तो ये 8 से 12 रेट से बनाएंगे हम लोग। तो ये वाली आपकी 8 से 12 तक रहेगी और ये वाली आपकी 4 मिली सेकेंड में, 2 मिली सेकेंड में 1 मिलीमीटर, तो 4 में 2 मिलीमीटर, तो 2 मिलीमीटर पीछे हो जाएगी ये 6। छः से दस थी, तो 2 मिलीमीटर पीछे करो तो 4 पहुंच जाएगी, तो ये 4 से 8 तक थी, तो ग्रीन से 4 से 8 है। ठीक है, ये अब यहाँ क्या होगा, कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, ग्रीन वाली ग्रीन है और रेड वाली रेड है, तो जो एक्चुअल शेप होगा उसको हम लोग ब्लू से बनाते हैं, आपको पता ही है। तो ये ऐसे और यही वाली दिखेगी क्योंकि कुछ और था ही नहीं वहाँ पर, कुछ था ही नहीं, और ये हमारा शेप हो जाएगा वेव का। तो देखा आपने, चारों पार्ट हो गए आपके, ठीक है, तो समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 32। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं हम लोग। टू वेव्स ईच हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज एंड अ वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन द स्ट्रिंग। ठीक है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स। तो फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 100 हर्ट्ज, वेवलेंथ कितनी दी है 2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स। तो एक ही स्ट्रिंग पे दोनों चल रही हैं तो इनके बीच में कुछ ना कुछ जरूर सुपरपोजिशन होगा, तो फेज डिफरेंस निकालना है। चलिए भाई डेल्टा फाई निकालना है, डेल्टा फाई। चलिए, इफ द सेकेंड वेव वॉज प्रोड्यूस्ड 0.015 डेल्टा टी जो दिया है वो दोनों वेव्स के बीच में स्टार्ट होने का ये दिया है, लेटर देन द फर्स्ट वन एट द सेम प्लेस। अच्छा एक भी बात का बच्चों ध्यान रखो, जब आप सेम प्लेस पे होते हैं, सेम प्लेस बट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे, सेम प्लेस डिफरेंट टाइम, तो फेज निकालने के लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी टाइप का है ना फॉर्मूला, वो यूज करेंगे बच्चों, यानी कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी। तो डेल्टा फाई, तो ओमेगा क्या होगा 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू डेल्टा टी, तो 2 पाई और फ्रिक्वेंसी कितनी है बच्चों 100 है और ये कितना है 15/1000 है ना, 0.015 1000। पाँच तीन दो 3 पाई, तो कितना आया भाई यहाँ पर 3 पाई। सो डेल्टा फाई जो आया पहले केस में जो फेज डिफरेंस आया है दैट इज नथिंग बट 3 पाई। ठीक है, बी पार्ट में आइए। अब बी पार्ट में, इफ द टू वेव्स वर प्रोड्यूस्ड एट द सेम इंस्टेंट बट द फर्स्ट वन वॉज प्रोड्यूस्ड एज अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर बिहाइंड द सेकेंड, 4 सेंटीमीटर बिहाइंड द सेकेंड, तो इसमें क्या है सेम टाइम डिफरेंट प्लेस, सेम टाइम
डिफरेंट प्लेस, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे डेल्टा फाई के लिए? तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू के टाइम्स बच्चों डेल्टा एक्स, के टाइम्स डेल्टा एक्स, के की वैल्यू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो 2 पाई रखिए, लेमडा कितना है, लेमडा दिया तो था 2 सेंटीमीटर, और डेल्टा एक्स जो चेंज बता रहे लोग 4 सेंटीमीटर का बता रहे हो, तो 2 2 कैंसिल, तो 4 पाई। तो ये आपका फेज डिफरेंस। तो ध्यान रखें, अगर आप सेम प्लेस पे हैं लेकिन डिफरेंट टाइम पे वेव्स स्टार्ट हुई, तो उनमें जो है डेल्टा फाई के लिए आप ओमेगा डेल्टा टी यूज़ कर लें, 3 पाई आया। सेम टाइम पे हैं पर डिफरेंट प्लेसेस पे हैं, एक ही जगह पे एक वेव यहाँ एक कहीं है, तो आप फिर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स यूज़ करते हैं। उस केस में आपका जो डेल्टा फाई आता है वो 4 पाई आता है। इफ़ ईच ऑफ द वेव्स हैज़ एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2 मिलीमीटर, व्हाट वुड बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इन पार्ट ए एंड बी। तो देखिए दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है बच्चों, ठीक है। तो उस केस में आपको पता है कि ए नेट जो है 2a cos delta phi by 2 फॉर्मूले से आएगा। वैसे तो मेन फार्मूला a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos theta, लेकिन मैथ में a1 बराबर a2 कर दो तो ये आ जाता है। देख लो जाके अगर कोई दिक्कत है ये बात कहाँ से आई, तो वेक्टर के क्वेश्चन करके आइए आप, ठीक है। तो अब देखिए कि एम्पलीट्यूड 2 मिलीमीटर है और दोनों पार्ट में आपको करना है। ओके, तो ए पार्ट करें हम लोग पहले, सी में ए पार्ट, मतलब ए पार्ट में 2 और 2 मिलीमीटर आया था कॉस, और डेल्टा फाई ए पार्ट में आया 3 पाई बाई 2। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 में कॉस की वैल्यू होती है 0, तो ये ए नेट आ गया 0, ठीक है। बी पार्ट, ए नेट इज इक्वल टू बच्चों 2 इंटू 2 कॉस, अब की बार 4 पाई बाई 2, यही फॉर्मूला रख रहे हैं, बी वाले में 4 पाई आया था 2 पाई, कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, इसलिए ए नेट जो है वो 4 मिलीमीटर आ जाएगा। समझ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, 33rd हो चुका है। चलिए अब 34th में, इफ द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग 1 मीटर इज 60 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी आपको 60 मीटर पर सेकेंड दिया है, लेंथ ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग इज गिवन एज 1 मीटर, वॉट इज़ द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। तो देखिए फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला 1/12 अंडर रूट टी बाई न्यू, अगर दोनों तरफ से फ्री है, ठीक है, बोथ एंड्स फिक्स्ड है, फिक्स्ड वही माना जाए भाई। स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग का क्या मतलब है, दोनों तरफ से स्ट्रेच किया है ना, तो यानी कि दोनों तरफ से फिक्स्ड है, बोथ एंड्स आर फिक्स, गिवन नहीं है पर मान लेना है आपको, जब कुछ गिवन नहीं है तो बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। तो ये फॉर्मूला होता है 1/12, ये क्या होता है अंडर रूट टी बाई म्यू, ये तो कुछ नहीं वेलोसिटी ऑफ द वेव होती है, फिर क्या दिक्कत है बच्चों। तो लेंथ में 1 रख दिया हमने और वेलोसिटी को रख दिया 60 बच्चों, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपकी 30 हर्ट्स आ गई, एकदम ही सरल सवाल था बच्चों। चलिए नेक्स्ट, अब वायर ऑफ लेंथ, इस बार लेंथ 2 मीटर है बच्चों, इस टेंशन दिया है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी है, म्यू पूछ रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखना है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/12 अंडर रूट टी बाई म्यू। तो एक काम करो 2L into F लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये टी बाई म्यू हो जाएगा, फिर हम लोग जो म्यू है दैट इज टी अपॉन 2L F का होल स्क्वायर, तो म्यू इज इक्वल टू टी टेंशन 160 upon 2 into length, लेंथ कितनी थी 2 मीटर, फ्रीक्वेंसी कितनी है 100, तो फिर से 2 into 2 into 100, तो 4 4 16 से कैंसिल 10, 1 0 कैंसिल, तो म्यू आया 10^-3 kg/m। अब ये तो ग्राम होता है, तो वी कैन से कि जो इसकी लीनियर मास डेंसिटी है वो 1 g/m आई है, तो ये आपका आंसर है बच्चों। तो वेरी गुड, तो ये देखा आपने 35 तक कर लिया हम लोगों ने। आप बच्चों वीडियोस को शेयर करें,
और भी जल्दी फिर आपको सोल्यूशन देखने को बच्चों मिलेंगे। चलिए बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।